नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अंबेडकर छात्रावास में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। छात्रावास के अध्यक्ष ने प्रबंधक पर दबंगई का आरोप लगा। बाहरी गुंडों से छात्रों की पिटाई कराने का आरोप। घटना में आधा दर्जन छात्र हुए घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रबंधक से 2 साल का छात्रावास का हिसाब मांगने पर हुआ खूनी संघर्ष। छात्रावास के छात्रों ने प्रबंधक पर नशे में गाली गलौज करने और मारपीट करने का लगाया आरोप। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। 2 छात्रों की हालत गंभीर। मामले में 9 नामजद सहित 10 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। बुलंदशहर के नुमाइश मैदान स्थित अंबेडकर बिहार छात्रावास में हुई वारदात। दीपक राव, आज जो आपके चोट लगी, आप अस्पताल में हो, आपके साथ क्या हुआ? सर, अंबेडकर छात्रावास में मीटिंग थी, समाज के सभी लोग आए हुए थे। वहाँ पे प्रबंधक नरेश कुमार जी हैं, उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से कोई एग्जाम नहीं दिया है। समाज में क्या है, जितना भी पैसा आ रहा है उसको फीस बढ़ा दी है। 3,000 से 5,000 कर दिए गए हैं। हम मीटिंग हो रही थी बाहर, जब हम गेट से बाहर निकले तब बाहर से लोग बुला रखे थे। उन्होंने लड़के बहुत बुला रखे थे जो हथियारों के साथ थे, उनके पंच वगैरह। ये मेरे बड़े भाई बबलू बाहर निकले। उन्हें आप पहचानते हो, कौन थे कौन? सर, मैं उस लड़कों को पहचानता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जीटीवी न्यूज़।